हेलो फ्रेंड्स, सिलाई सीखो से मैं सरिता शर्मा। आज मैं आपको एक डिज़ाइन बताऊंगी। वो डिज़ाइन जो है हम ब्लाउज में लगा सकते हैं, सूट में लगा सकते हैं, आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट पे आप उसको लगा सकते हैं। ये देखिए, जैसे हम जो है पोटली बटन बनाते हैं, एक डिज़ाइन बनाते हैं किसी में भी लगाने के लिए, या फिर हम ट्राइंगल बनाते हैं तब भी हम एक डिज़ाइन बनाते हैं, तो इसी तरीके से हम अलग अलग करके डिज़ाइन बनाते हैं। तो आज मैं एक अलग तरीके से आपको डिज़ाइन बताऊंगी। उस डिज़ाइन के लिए आप अपने हिसाब से, अपने मैचिंग के लिए कोई भी सूट, जैसे जो भी आप बनाना है कर चाहते हैं, आप उसके हिसाब से आप मैचिंग कपड़ा ले लीजिए। उसके बाद जो है, ये देखिए, हमने जो पीस लेंगे, हम स्क्वायर पीस लेंगे। स्क्वायर पीस लेने के लिए जो है 3.5 जो इंच जो है हम स्क्वायर पीस लेंगे। ये देखिए, यहाँ से मैं एक स्क्वायर पीस बना लेती हूँ इसको। ये देखिए, ये एक स्क्वायर पीस लिया। स्क्वायर पीस इसको हम काट लेंगे। अब ये देखिए, इसको मैंने काट लिया। ऐसा ही अब जो है एक छोटा पीस काटेंगे जो येलो कलर का होगा हमारा। ये देखिए, एक स्क्वायर पीस मैंने ये काट लिया। तो दो स्क्वायर पीस जो है ये मैंने काटे हैं। ये देखिए, अब जो है हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ये देखिए, ऐसे फोल्ड करने के बाद एक बार हम फिर फोल्ड करेंगे। ये भी डिज़ाइन आपको पता होगा कि ऐसे भी डिज़ाइन बनता है। फिर उसके बाद ये देखिए, इसको जो है हमने क्या करना है, जहाँ से ये हमारा फोल्ड साइड है, ये वाला साइड फोल्ड बीच वाला, इसमें जो है हम एक ऐसा निशान बना देते हैं। ये देखिए, एक निशान यहाँ पर बन जाएगा, या फिर आप इसमें आयरन कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ एक जो है ये निशान बन गया हमारा, ये वाला निशान। ये निशान जो बन गया, ये हमारा बीच का सेंटर हो गया। अब ये यहाँ से हम इसको पकड़ लेंगे, ये वाला इसको लेंगे पोर्शन को, इस वाले बीच वाले पर इस पर ऐसे रख देंगे इस तरीके से, और इसको यहाँ से कॉर्नर बनाएंगे, और इसको इस तरीके से हम फोल्ड कर देंगे एक साइड से। फिर दूसरी साइड लेंगे, दूसरी साइड भी यहाँ से लेंगे। अब ये जो अंदर वाला पीस है, इसके साथ में टच कर देंगे यहाँ पर ऐसे, और इसको भी यहाँ से फोल्ड कर देंगे। इस पीस को हम अंदर करेंगे ये ऐसे कर कर, ये ट्रायंगल बन गया है दूसरे तरीके से। फिर अब जो है एक और, जो हमने येलो कलर का पीस लिया है, हम इसको उठाएंगे, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर इसको फिर ऐसे ही ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल बनाने के बाद फ्रेंड्स, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, और इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड करेंगे, तब हमारा ये फोल्ड हो जाएगा। फिर ये वाला हम अपना पीस उठाएंगे, और इस वाले को हम इस डिज़ाइन को इसके बीच में रख देंगे। ये देखिए इस तरीके से, इसको यहाँ पर रखने के बाद अब ये एक पोर्शन जो है, एक ये वाला है, एक ऊपर वाला, तो ऊपर वाले को उठाएंगे इस तरीके से, यहाँ पर रखेंगे, और यहाँ से इसको लेंगे, और इसको इस तरीके से ऐसे रखेंगे। ये देखिए, तो ये एक हमारा जो है अलग तरीके का एक बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बनेगा। इसे आप किसी पर भी, आप इसे अपने प्रोजेक्ट पर आप इसे लगा सकते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, ये देखिए, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है ये। उसके बाद ये करने के बाद फ्रेंड्स, आप यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे, जिससे ये हमारा फिक्स हो जाएगा। फिक्स होने के बाद जो है आप इसको लगा सकते हैं इजीली। ये देखिए, जैसे ये मैंने यहाँ पर सिलाई लगाया, आप भी इस तरीके से सिलाई लगाकर और इसे ज्वाइंट करते रहिए। बाकी जो पीस है ये सिलाई लगाने के बाद फ्रेंड्स, इसको हम काट देंगे। ये देखिए, और यहाँ से जो है हम अपने पीस सभी जोड़ते हुए अपने डिज़ाइन जो है रेडी कर सकते हैं, और अपने किसी भी प्रोजेक्ट पर आप इस डिज़ाइन को यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, एक और मैं आपको बताना चाहूँगी, मेरा एक नीटिंग का चैनल है। अगर आप स्वेटर बनाने में थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं तो आप उस चैनल को देखिए, और उसमें भी आपको बहुत से अच्छे अच्छे डिज़ाइन मिलेंगे फ्रेंड्स। प्लीज़ मेरे इस चैनल को भी और उस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर कीजिए फ्रेंड्स। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।